फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षी है और पिछले 5.5 सालों से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। पहले पार्ट टाइम में बिल्ड किया करती थी और पिछले 2.5 सालों से फुल टाइम में बिल्ड कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई जॉब के लिए नहीं सोचा, कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए नहीं सोचा, फुल टाइम मोदी केयर में लग गई। लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। लोग कुछ नहीं समझते थे इस बिज़नेस को, और क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी थी तो लोग मुझे बच्चा समझ लेते थे और बिल्कुल सुनते भी नहीं थे मेरे बात को। हर कोई मुझे इग्नोर करता था। मेरे रिलेटिव्स ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने मेरा साथ नहीं दिया, हर कोई मेरे अगेंस्ट था। सबको लगता था कि ये बिज़नेस नहीं चलने वाला और ये बेकार के काम में लग गई। लेकिन मैंने मोदी केयर के बिज़नेस को समझा, मैंने इसके सिस्टम को अडॉप्ट किया। जितनी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती थी मैं उसमें जाती थी। मैंने देखा कि बहुत से लोग इसमें बहुत अच्छा अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं। तो मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मैं इस बिज़नेस को करूँगी, चाहे मुझे कोई कितना भी मना करे तब भी मैं इस बिज़नेस को ज़रूर 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 करने वाली हूँ। और जब मैं इसको करती रही, मैं लोगों से मिली, मैंने उनको डेमोज़ के साथ बात करी। बिना डेमोस्ट्रेशन के मैं किसी को बिज़नेस प्लान नहीं दिखाती थी, तो डेमोज़ दिखा के सारी चीज़ करके लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू किया। मेरा बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते 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 आज मैं मोदी केयर से बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ। एक बहुत अच्छी लगभग 5 लाख के आसपास की इनकम मंथली यहाँ से अर्न कर रही हूँ, और साथ ही साथ अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर 70 लाख रुपये का 3 BHK का फ्लैट यहाँ से मैं बना चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने पापा को एक बहुत ही अच्छी सी बुलेट बाइक, जो कि 2 लाख रुपए के आसपास की आती है, 2 लाख सवा 2 लाख की बाइक, वो मैं अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ अपने पापा मम्मी को 28 अप्रैल को मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह थी, तो मैं उनको एक ब्रेज़ा कार भी गिफ्ट कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ मेरी एक ड्रीम कार थी जिसका नाम है जैगुआर। मतलब जब भी वो मेरे घर दिल के जब भी वो मेरे पास से निकलती थी तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए। मैंने अपने विजन बोर्ड पे अपने बिल्कुल बेड के बिल्कुल सामने जैगुआर की फ़ोटो लगाई थी आज से ठीक 2 साल पहले, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि परसों ही समीर मोदी जी खुद मुझे जैगुआर मेरी कार की चाबी देने के लिए आए थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसको ड्राइव करके मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मतलब ऐसा फील आ रहा है इसमें बैठ के, इसको चला के, मतलब मैं इतनी खुश हूँ इस समय। मैं पिछले जब से जैगुआर आई है तब से 3-4 रातों से मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, मतलब पागल हो चुकी हूँ। और मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्या इस समय फ़ील कर रही हूँ। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी, मोदी केयर बिज़नेस को ज़रूर कीजिए। मोदी केयर से 6 बार फॉरेन ट्रिप्स भी ले चुकी हूँ, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन और दुबई का। और सबसे अच्छी बात जो मोदी केयर बिज़नेस में मुझे लगती है कि यहाँ पे बहुत सारा मान और सम्मान मिलता है। मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मान और सम्मान जब मिलता है तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ, और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है इस समय पे। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी, मोदी केयर बिज़नेस को ज़रूर कीजिए। जितने भी सिस्टम हैं उन सबसे कनेक्टेड रहिए, और आप देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। और ये जैगुआर ना मेरी बिगनिंग है, अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अपनी टीम में। इस साल 2018 के अंदर 51 लोगों को मोदी केयर से कार क्वालिफाई करानी है, और 2021 तक अपनी टीम में करीबन 51 लोगों को लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज़, ये सारी गाड़ियों को दिलवाकर रहनी है। और इन सब के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, मेरे पापा और मेरी मम्मी का, मेरे भाई का, मेरे पूरी फैमिली का। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने ग्रेट मेंटर और ग्रेट गुरुज मिस्टर मनोज मलिक जी, तरुण बजाज सर और सुरेखा भार्गव मैम, क्योंकि इतने अच्छे मेंटर्स नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।